हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही टेस्टी से नाश्ते की रेसिपी। और ये नाश्ता बहुत ही जल्दी और मिनटों में बनकर रेडी हो जाता है, खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है। तो वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 4 बॉईल किए हुए आलू लिए हैं, इनको हम कद्दूकस कर लेंगे। हम इनको वैसे ही मैश कर सकते हैं, लेकिन कद्दूकस में ये थोड़े बारीक हो जाएंगे, इससे बहुत ही अच्छा नाश्ता बनेगा हमारा। और इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इसी के साथ हम लेंगे आधा चम्मच रेड चिली फ्लेक्स। यहाँ पर मैंने डाला आधा चम्मच गरम मसाला, और टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें हम नमक ऐड कर देंगे। और यहाँ पर मैंने लिया आधा चम्मच किचन किंग पाउडर, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो इनको हम हाथों से मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो देखिए बहुत ही अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया है। और हम अपने हाथों पे थोड़ा ऑयल लगाएंगे ताकि हाथों में ही चिपके ना। और इसके हम एक बॉल बनाएंगे और बॉल को हम अच्छे से फैला लेंगे। फैलाने के बाद हम इसमें मोजरेला चीज़ भरेंगे अंदर। ये चीज़ आपको कहीं भी किसी भी शॉप पे आसानी से मिल जाएगी। तो चीज़ डालने के बाद हम इसको धीरे धीरे से बंद कर देंगे और फिर से इसका बॉल बनाकर रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से बॉल हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। तो सारी बॉल्स ऐसे ही बना लेंगे हम। तो ये देखिए सारी बॉल्स हमारी बनकर रेडी हो चुकी हैं। तो इसके बाद हम लेंगे 2 चम्मच मैदा, और मैदे का हम एक पतला घोल बनाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डालेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना हो, और इसका एक घोल बनाकर रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए घोल हमारा तैयार हो चुका है, बिल्कुल ऐसा ही हमें चाहिए इसके लिए। और यहाँ पर हमने लिए नमकीन। यहाँ पर आप कोई भी नमकीन का यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो इसको हम थोड़ा थोड़ा तोड़ लेंगे ताकि ये बारीक हो जाए। और बॉल्स को हम मैदे में डिप करेंगे, और डिप करने के बाद इसको निकाल कर हम नमकीन में डाल देंगे और इसको अच्छे से कोट कर लेंगे। तो सारे में इसको अच्छे से लगा देंगे। और ये देखिए बॉल हमारी पूरी अच्छे से कोट हो चुकी है। तो सारी ऐसे ही बनाकर हम रेडी कर लेंगे। ये देखिए सारी बॉल्स हमारी रेडी हो चुकी हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑयल गरम कर लिया है। तो ऑयल को हम एक बार गरम कर और उसको मीडियम फ्लेम पर रखेंगे ताकि जो बॉल्स हमारी वो अच्छे से फ्राई हो जाए। और सारी बॉल्स इसमें हम डाल देंगे। तो देखिए 2 मिनट बाद हमारी बॉल्स गोल्डन ब्राउन होने लगी है। ज़्यादा फ्राई नहीं करना है हमें, बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है ये। तो बॉल्स को ऑयल में डालने के बाद हमें चलाते जाना है, इनको छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये कहीं से ज़्यादा पक जाएंगी और कहीं से कच्ची रह जाएंगी। तो इनको हमें रेगुलर चलाते रहना है। और 2 मिनट में हमारी ये बॉल्स बनकर रेडी हो जाती हैं। तो नमकीन हमारी बहुत जल्दी पक जाती है ऑयल में। और ये देखिए बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है इनमें। तो बाकी जो बॉल्स बची हैं उनको भी हम फ्राई कर लेते हैं। और ये देखिए सारी बॉल्स हमारी फ्राई हो चुकी हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी सा नाश्ता हमारा बनकर रेडी हो चुका है। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए मैं इसको एक बार तोड़ के दिखा देती हूँ आपको। तो ये देखिए चीज़ जो हमारा वो बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो चुका है अंदर, और ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी बने हैं ये। तो फ्रेंड्स आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे।
तो बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।